दोस्तों, क्रूड ऑयल जो एमसीएक्स का इंस्ट्रूमेंट है उसके सेटअप के ऊपर एक मैं लाइव मार्केट में डिस्कस करना चाहता हूं, इसीलिए दिस पार्टिकुलर वीडियो आई एम मेकिंग। मैंने ऑलरेडी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है, दैट इज द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड, जो मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा। जिन्होंने वो वीडियो देखा नहीं है वो पहले उस पार्टिकुलर वीडियो को देख ले, देन ये लाइव मार्केट में इस पार्टिकुलर ट्रेड को समझने का कोशिश कीजिए। पहले क्या हुआ, आप अगर देखोगे 13-14 जून को प्राइस 9600 में था, फिर ये एकदम लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आ चुका था ऑन 22 जून, फिर यहां से लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से ये सेंटर बैंड में आया। आज सेंटर बैंड में आने के बाद दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी एक्टिव होने वाला है। क्या है, जब हायर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड में आता है, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो लोअर टाइम फ्रेम यानी ये क्रूड जो है आपका 24 वाला आवर्स वाला मार्केट नहीं है, लेकिन हमारा ये जो मार्केट है 14.5 आवर्स का मार्केट है, तो इसका जो लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा 4 आवरली। अभी लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे प्राइस क्लोज देगा, देन ये ट्रिगर हो जाएगा, यानी समथिंग लाइक आई एज्यूम प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक है कि ये जो पार्टिकुलर 28 जून 9 बजे का जो लो है उसके लो के नीचे जैसे ही प्राइस होवर करेगा, आवरली बेसिस में क्लोज दे देगा एंड थोड़ा सा फॉलो अप नीचे की तरफ होगा, तो ये ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन वाला मैं इन फ्यूचर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी जो सिस्टम है, एज पर द सिस्टम ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम उसके ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे जैसे ही क्लोज देगा, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी विल गेट ट्रिगर्ड। ये ट्रिगर्ड होगा तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, जो अभी स्विंग हाई बनाया है उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी अभी हाई है आपका 9015, तो आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा करीबन थोड़ा सा क्वेश्चन रख के 9050। एंड टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा ये जो हायर टाइम फ्रेम का लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड, लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड इज 8154, यानी कि आपका जो ट्रिगर है वो इसका जो लो है 8730, सो आई अज्यूम कि यहाँ पे अगर कोई सेल करता है से 8720 पे सेलिंग होता है, देन द टारगेट इज 8150 दर्जी वाला लेवल, यानी एकदम मेजरमेंट वाला नहीं है, कभी ये 8200 से भी वापस जा सकता है, कभी ये 8000 के भी नीचे आ सकता है। तो अगर मेरा टारगेट है 8150, कभी कभी ये 8200 के आसपास से भी बाउंस हो सकता है, कभी कभी ये 8150 से भी नीचे जाके और भी नीचे मे बी 8000 या 7900 या 7800 भी हो सकता है। तो यहाँ पे टारगेट हो जाएगा 8150 से 8200, स्टॉप लॉस है 9050। सो इट्स ए लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करना। क्यों लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप को डिस्कस करना, अभी देखिए यहाँ पे ये 4 आवरली पे प्राइस लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आया था, आने के बाद सेंटर बैंड तक जाके रेजिस्टेंस लिया, जैसे ही सेंटर बैंड में जाके रेजिस्टेंस लिया ये एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्रिगर हुआ। यहाँ पे अगर 4 आवरली इज हायर टाइम फ्रेम देन आवरली इज ए लोअर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा एक हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट डालते, उसके नीचे जैसे क्लोज दे देता है तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट हो जाता 9170 के आसपास, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर यानी 9310 के आसपास, एंड द टारगेट वुड हैव बीन 4 आवर्स का जो लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड है, दैट इज आपका 8850।
तो आपका 1:2, 1:3 का ऑलमोस्ट टारगेट। जैसे मैंने टारगेट के बारे में बताया, कभी ये दर्जी वाला टारगेट नहीं होता कि 18 इंच है तो 18 इंच ही होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, या साइंटिफिक कैलकुलेशंस में जो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट वो यहाँ पे नहीं है। इट्स अ मार्केट, कभी कभी इसके आसपास से भी मार्केट घूम जाता है, कभी कभी और भी नीचे आ जाता है। वी नीड टू जस्ट टेक ए अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई सेल करता 9170 के आसपास तो स्टॉप लॉस हो जाता 9300 के आसपास, यानी सपोज 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड द टारगेट इज 9100 से, यानी करीबन 300 पॉइंट प्लस, यानी 1:2 का टारगेट। हालांकि ये और भी ज्यादा टारगेट दे चुका था, लेकिन मैं ये आपके सामने डिस्कस करूंगा तो इसका कोई मजा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये लाइव है, लाइव मार्केट का एनालिसिस है। लाइव मार्केट का बातें कुछ अलग होता है, इसका रोमांच कुछ अलग होता है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि ये टारगेट देगा ही। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो कितना पॉइंट जाएगा आपका 8720 एंड 9050, सो 330 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यानी कोई अगर एक लॉट बेचेगा एंड स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो ये 30,000 के ऊपर 33,000 का स्टॉप लॉस एक लॉट में होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो ये करीबन 600 पॉइंट यानी 60,000 का टारगेट एंटीसिपेटेड है। तो ये जो सेटअप मैं डिस्कस कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन है नहीं। ऑल्सो आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन टू सजेस्ट यू टू इनिशिएट ए ट्रेड। किसी को अगर ट्रेड इनिशिएट करना है तो अपना खुद का रिस्क एंड रिवॉर्ड देख लीजिएगा, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे प्रयास है कि ये सिस्टम को डिस्कस करना कि सिस्टम कैसा होता है। मैं यहाँ पे अगर सिस्टम डिस्कस करता तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट ए दैट इजी थिंग, क्योंकि अभी है 8,813, कभी ये 8,900 भी जा सकता है, फिर नीचे 8,700 भी आएगा, फिर 8,800 भी जा सकता है, फिर जाके अगर ऐसा करके आता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ जाएगा, नॉट नेसेसरी। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं, कभी कभी धीरे धीरे आ सकता है। तो ये जो लाइव मार्केट में आपका ये मैं ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला स्ट्रेटेजी आपके सामने डिस्कस करना चाहता था, दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, ताकि आपको ये सिस्टम अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। जिन्होंने मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखा नहीं है तो वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो में जाके पहले देख लीजिए एंड उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए एंड देखिए कि ये टारगेट देर पहले ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 8730 से पहले ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा, दैट मींस ये ट्रिगर नहीं हुआ ट्रेड। उस केस में ना ही ट्रेड ट्रिगर हुआ ना ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। लेकिन मान लीजिए 8720 के आसपास आके गया तो आपका ट्रेड थियोरेटिकली ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद अगर ये जाता है तो आपका ये डमी ट्रेड में क्या होगा, एक डमी ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर यहाँ पे ऊपर नहीं जाता है एंड डायरेक्टली लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आ जाता है, दैट मींस आपका जो डमी ट्रेड है दैट इज गिविंग ए रिजल्ट। तो इसको आपको समझने में काफी आसानी होगी कि ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड क्या है, क्योंकि रेडीमेड अगर ट्रेड को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा इसको देखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन एक्चुअल ट्रेड जब हम लेते हैं उसके बाद ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस रखते हैं एंड टीपी रखते हैं तो द अमाउंट ऑफ ब्लड रश दैट उसको मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप अगर ट्रेड लेना चाहते हो आपके पर्सनल रिस्क में ये ट्रेड ले सकते हो, नॉट based on my recommendations. मेरा यहाँ पे एक ही प्रयास है, once again I am stressing the point कि मेरा ये एक ही प्रयास है कि to discuss the strategy in the live market. So अभी के लिए मेरा ये discussions इतना ही। Thank you all for watching this particular video.
होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपका मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जिन्होंने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वंस अगेन ए रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन टुवर्ड्स द वर्क दैट आई एम डूइंग। थैंक यू एंड विश यू ए ग्रेट डे अहेड।